तो ये है दानिया का घर। तो बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। बैठो बैठो। तानिया नहीं है, दिल्ली से है ना। शाम तक आती है और रात को कॉल सेंटर जाती है। चाय। एक बार उससे बात करनी है। डर लग रहा है ना मुझसे? नहीं, किडनैप कर लूंगा। आई एम सो सॉरी, तुम मेरी इतनी हेल्प करो। और हाउ कुड आई, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सो सॉरी बाबा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। एक मिनट बात करा देता हूँ तुम्हें तानिया से। हेलो, हाँ तानिया। अच्छा सुनना यार, मेरी एक फ्रेंड तेरे घर पे रुकी हुई है, तो क्या उससे बात कर लेगी प्लीज? हाँ अंजलि, अंजलि नाम उसका। हाँ एक बात। हाय तानिया, आई एम सो सॉरी मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ ऐसे। मैं सिर्फ एक रात के लिए रहूँगी, कल मैं चली जाऊँगी। नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं अभी कॉल सेंटर में हूँ, मेरा थोड़ा सा काम है। तुम आराम से उधर ही रुक जाओ, मैं तुमसे कल सुबह मिलती हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हो गई तसल्ली, रेपिस नहीं हूँ मैडम मैं। अच्छा सुनो, मैं जाता हूँ, तुम्हारा टिकट का अरेंजमेंट करना है मुझे, ठीक है? मैं सुबह तक आऊँगा। और इनकेस अगर तानिया जल्दी आ जाती है तो उसके पास चाबी है, इसलिए मैं बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ यार। इसमें ताला नहीं लग सकता ना इसने। ओके बाय। अच्छा सुनो, वैसे ऋत्विक तुम्हें मिलेगा ज़रूर। अपने सबसे बड़े फैन से बच के जाएगा क्या? स्लीप वेल, बाय।
अंजलि ऋत्विक की सबसे बड़ी फैन। अच्छा मैंने तुम्हें भी उनसे मिला दूंगी, बहुत मजा आएगा। एक्सक्यूज मी, इंटरनेट पर किसी की भी ऑनलाइन एक्टिविटी को फॉलो करना बहुत आसान होता है। सचिन ने रैंडमली अंजलि के सोशल नेटवर्किंग हैबिट्स को ऑब्जर्व किया, उसके अर्ली अपडेट्स देखे, उसके अपडेट्स से उसके प्लान्स को फॉलो किया और फिर इजीली एक फेक एफबी पेज बनाकर अंजलि को इनवाइट भेज दिया। इट वॉज एन ईविल प्लान टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फैंस ऑब्सेशन। और कई लोग ऐसे ही इनोसेंट फैंस की तलाश में रहते हैं। इंटरनेट पर ऐसी छोटी चीजों के भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पापा होली वाले दिन इवेंट है, आप लेकर चलेंगे ना मुझे? बेटा ये सब विवेक से और कुछ नहीं। तुम ये सब जो देख रही हो ना स्क्रीन पे, ये सब सच नहीं होता। पब्लिक रिलेशंस मैनेजर होगा या फिर कोई सेक्रेटरी या असिस्टेंट होगा जो ये सब लिखकर भेज रहा है। हम अंजलि से मिल रहे हैं जी, यहीं पे आइए। बस बेटा एक फोन तो कर दिया होगा।
ऐसे ही चली गई तो बेटा, हम तुम्हारे मम्मा पापा हैं, तुम्हें गुस्सा करते, तुम्हें कभी हेट नहीं करते बेटा। तो सबसे हो जाते हैं, भूल जाओ। चलो बेटा अब घर चलो, हम है ना मम्मा पापा, हम सब ठीक कर देंगे, चलो। What the hell Priya, छोड़ो मुझे। आखिरी बार समझा रहा हूं, एक मिनट चुप रहो, सीन मत क्रिएट करो, ओके? अगर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया ना तो मैं तुम्हें बहुत क्लियरली समझा, जस्ट आई स्पेल इट आउट फॉर यू, इट्स ऑल ओवर, ठीक है? सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी ना प्रॉब्लम यही है, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है, हाँ? तुम अपनी दुनिया में गुम रहती हो कहीं पे, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी क्या खुशी है, मैं सब कुछ करता रहूं, हाँ? और मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुशी क्या है? उसके लिए तुम्हें कभी टाइम नहीं मिला ना उसके लिए? वहां जब टैटू पार्लर में हम मिले थे ना, हाँ, जब हम गए थे तुम्हें टैटू करवाने के लिए और मैंने बोला था कि मुझे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, बंद बंद सा लग रहा, वो रूम नहीं था, वो छोटा सा रूम नहीं था, वो थी तुम। You make me feel claustrophobic. It's you. And I'm sick of you. I'm tired of you, yaar. तुम मेरे लिए क्या किया तुमने आजकल? हाँ? आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया है? Just stay away from me. Babu, I'm sorry. Please, I love you. ऐसे मत करो मेरे साथ. Please, I love you. मैं चेंज हो जाऊँगी, बाबू, पूरा. I promise. Please, it's okay. It's okay. It's good for you. It's good for you. It's good for you. अगर तुम चेंज हो जाती हो, it's amazing. लेकिन हमारे बीच में अब सब खत्म हो चुका है. ओके, अंडरस्टैंड प्रिया, सीन मत क्रिएट करो, रो मत, जस्ट ग्रो अप, ओके? ये बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुमको समझ में नहीं आता क्या? बहुत क्लियरली तुमको समझ में नहीं आता है क्या? इट्स ऑल ओवर, ठीक है? और मेरा पीछा करना बंद करो प्लीज, जस्ट स्टे अवे, गो। आदि By the way, I'm missing you a lot. बहुत दिनों से कॉलेज में भी नहीं मिले. मैं तुम्हारा फेस देखना चाहता था. Use your imagination. Tell me what you wearing. Red nightie. Short. Very. हेलो, हाँ प्रिया बोल. दी मुझे प्लीज आदि का नंबर दे दो, मुझे उससे बात करनी है दी. ओके, उसका उसने तुझे नया नंबर नहीं दिया? अच्छा सुन, नंबर लिख. थैंक यू. हेलो आदि, हाय प्रिया. आदि नो नो नो, प्लीज प्लीज बेबी मुझसे एक बार बात कर लो, बेबी मुझे लास्ट चांस दे दो प्लीज. आदि हेलो, हेलो.
प्रिया अब भी आदि को वापस लाने की कोशिश में थी, पर सिमोन जैसी पर्सनालिटी से कंपीट करना थोड़ा मुश्किल था। जबकि सीधी उंगली से नहीं निकला तो प्रिया ने उंगली टेढ़ी करने का फैसला लिया। उसने सोचा कि वो सिमोन और आदि के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके उनका रिलेशनशिप तोड़ देगी, एंड देन आदि विल बी हर्स। जब वो साथ थे तो प्रिया ने आदि को कई बार लॉग इन लॉग आउट करते हुए देखा था। शी न्यू हिज पासवर्ड। वो आदि की तरफ से सिमोन को एक ब्रेकअप मेल भेज रही थी, और फिर उसके हाथ कुछ ऐसा लगा विच सीम्ड लाइक द परमानेंट सॉल्यूशन टू हर प्रॉब्लम। What you deserve is stealing my boyfriend. अब आदि मेरे पास आ जाएगा हमेशा के लिए, पहले जैसे। बाय सिमोन। खबर है दित्य, पिक पैक कॉल। द हेल यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, यू चुप। तो दित्य, तू मुझे प्रिया की तरह नहीं ट्रीट कर सकता है। यू हैव टू पे फॉर दिस। नो सर, नॉट एट ऑल सर, मैं ऐसा कुछ नहीं। सिमोन तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, और मैं तो कल रात से अपना मेल भी चेक नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा यार। झूठ नहीं बोलने का, ये एक्टिविटी तुम्हारे अकाउंट तक ट्रेस की गई है, समझे? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिमोन तुम समझाओ ना। और किस किस के पास है तुम्हारा पासवर्ड? पासवर्ड सर, पासवर्ड सर मेरे ही पास है, और किसी के पास? आदित्य, बहुत ही सीरियस क्राइम है ये, एक लड़की की रिपुटेशन का सवाल है, और तुम्हें जो भी कहना है ना, चल के थाने में कहना। चलो सर, सर प्लीज। सिमोन तुम सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं। चल सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मेरी दी की हल्दी है सर, प्लीज सर। आज कॉलेज फंक्शन में तुम्हारी फ्रेंड को नहीं देखा,
वेट कर रहे हो सिमोन का? ओ गॉड, उसका तो नाम भी मत ले यार। कैसी है वो? तूने उसकी पिक्चर्स नहीं देखी? नॉट रियली। तो क्यों नहीं आई वो आज कॉलेज? समवन सेड कि वो बॉम्बे से ही चली गई, शायद कॉलेज भी छोड़ दिया होगा। स्टिल, और जाते जाते आदि का बैंड भी बजा गई। मतलब तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि क्या चल रहा है? तुम्हें पता है आदि को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। What? और उस पर केस भी चल रहा है। सिर्फ 10 मिनट। प्रिया, प्रिया तुम, प्रिया, आई एम रियली सॉरी। जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी तुम आई। प्रिया, आई एम रियली सॉरी। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक है। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, सी? नहीं यार, कुछ ठीक नहीं होगा। उन लोगों ने वो डेटा ट्रैक कर लिया मेरे अकाउंट पे, सारे प्रूफ मेरे खिलाफ। और आईपी एड्रेस कॉलेज के पास एक साइबर कैफे का है। मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं साइबर कैफे क्यों जाऊँगा यार, क्यों जाऊँगा? लेकिन मेरे सुनते नहीं है लोग, कोई नहीं सुनता मेरी। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया। प्रिया, It's okay. Shh. कुछ नहीं होगा। प्रिया, अगर वो कमीना मुझे मिल गया ना, जिसने ये सब किया है, I swear, I will kill him or kill them. Hey, गपरे जानिया, दी की शादी रुक गई यार। क्यों? वो लोग बोलते हैं कि जिसके भाई के खिलाफ ऐसे ऐसे केस चल रहे हो, वो उसके घर में कैसे शादी कर सकते हैं? मॉम डैड हर कोई ये सोचता है कि मैंने किया है सब। मैंने नहीं किया यार। प्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। प्रिया, आई एम रियली सॉरी। उस फालतू सिमोन के पीछे पड़ा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कभी कोई वैल्यू नहीं दिया, और वो बिना मुझसे पूछे एक बार मुझसे पूछ तो लेती, बिना पूछे जाके पुलिस में रिपोर्ट कर दी उसने। प्रिया, तुम मुझे प्यार करती थी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सब कुछ ठीक था प्रिया, हम कितने खुश थे। एवरीथिंग वाज सो सो परफेक्ट। मुझे समझ में ही नहीं। आदि, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। तुम्हारी कोई गलती नहीं आदि, तुमसे बहुत You make me feel claustrophobic. It's you. And I'm sick of you. I'm tired of you, yaar. तुम मेरे लिए क्या किया तुमने आज? हाँ? आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया है? Just stay away from me. और मेरा पीछा करना बंद करो, please. Just stay away. Oh.